सो वेलकम एवरीवन, मैं डिटरमाइन इफ टू स्ट्रिंग्स आर क्लोज प्रॉब्लम एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो इस प्रॉब्लम ये हमें बताना है कि क्या दो स्ट्रिंग्स क्लोज हो सकती हैं या नहीं। क्लोज होने की कंडीशन ये है कि किसी भी स्ट्रिंग एक्स को मैं स्ट्रिंग वाई में कन्वर्ट कर पाना चाहिए यूजिंग टू ऑपरेशंस। ऑपरेशन वन है कि ए किसी भी दो कैरेक्टर्स को मैं स्वैप कर सकता हूँ दो कैरेक्टर्स को। एंड ऑपरेशन टू इज़ दैट वी कैन ट्रांसफॉर्म एवरी ऑकरेंस ऑफ वन एग्जिस्टिंग कैरेक्टर इनटू अनदर एग्जिस्टिंग कैरेक्टर। सो फॉर एग्जांपल कि जहाँ पे ए और बी को मैंने चेंज किया है, तो जहाँ जहाँ ए है वहाँ वहाँ मैंने बी कर दिया और जहाँ जहाँ बी है वहाँ ए कर दिया। देखो ए सी ए डबल बी है, तो यहाँ पे ए की जगह बी बी, यहाँ पे भी बी, और जहाँ पे बी था डबल बी लास्ट में था तो डबल ए लास्ट में आ गया। ठीक है, तो चलो कोट करते हैं। तो सबसे पहले मेरी कंडीशन हो जाएगी। तो इस प्रॉब्लम में बस दो चीज़ें का ध्यान रखना है कि सबसे पहले कि जो कैरेक्टर, सपोज दो स्ट्रिंग्स हैं एक्स और वाई, तो एक्स और वाई में दोनों में कैरेक्टर्स सेम होने चाहिए। ठीक है, क्या कह रहा हूँ कि जैसे ए बी बी है और बी एक्स बी है। देखो अब इन दोनों में क्या कैरेक्टर्स सेम है, यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे तो एक्स है ही नहीं, तो कभी भी मैं इस स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, तो पहली चीज़ मुझे ये चीज़ चेक करनी है। इसको क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे शायद सेम कैरेक्टर्स। ठीक है, सेम कैरेक्टर्स एनीवे। और दूसरी चीज़ जो मुझे चेक करनी है वो फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी से मेरा क्या मतलब है, सपोज़ देखो मैं यहाँ पे सबकी फ्रीक्वेंसीज लिख लेता हूँ। जैसे ए की फ्रीक्वेंसी 1 है, बी की फ्रीक्वेंसी स्ट्रिंग एक्स में 3 है, सी की फ्रीक्वेंसी 1 है और स्ट्रिंग वाई में मेरी ए की फ्रीक्वेंसी है 1, सॉरी यहाँ पे मेरी ए की फ्रीक्वेंसी 2 है और सी की फ्रीक्वेंसी 1 है। ठीक है, हाँ ए की फ्रीक्वेंसी 1 है, बी की फ्रीक्वेंसी 2 है और सी की फ्रीक्वेंसी 3 है। तो ये जो फ्रीक्वेंसीज है ना वो दोनों में सेम होनी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि सपोज़ कि देखो अब मैं देखता हूँ कि मेरे वाई में तो एक ही बार ए आया है ना, तो मेरे एक्स में भी एक ही बार ए आना चाहिए। तो मैं जो ऑपरेशन टू करूँगा यहाँ पे कि मैं देखूँगा कि क्या मेरे स्ट्रिंग एक्स में कोई ऐसा कैरेक्टर है जो कि सिर्फ एक बार आया है ना, सी है वो ऐसा कैरेक्टर है ना। तो क्या करूँगा कि मैं जहाँ जहाँ सी है वहाँ वहाँ ए लिख देता हूँ। ठीक है, ए लिख दिया और जहाँ जहाँ मेरा ए था वहाँ वहाँ सी लिख दिया है। जस्ट रेड पेन यूज़ कर लेता हूँ, सी और सी। ठीक है, तो इस तरह से मेरा यहाँ पे ए तो एक बार आ गया, ठीक है, और जो सी है वो दो बार आ गया है। ठीक है, अभी भी लेकिन मेरी बात नहीं बन रही है यार। यहाँ पे मेरे एक्स स्ट्रिंग में बी 3 बार आ रखा है, लेकिन मेरे को वाई में कन्वर्ट करने के लिए बी को 2 बार आना चाहिए मेरे स्ट्रिंग में, है ना। तो मैं देखता हूँ कि मेरे स्ट्रिंग एक्स में कोई ऐसा कैरेक्टर है जो सिर्फ 2 बार आया है ना, तो वो मुझे मिल जाएगा सी। ठीक है, तो अब मैं जहाँ जहाँ सी है वहाँ वहाँ बी लिख देता हूँ। इसको मैंने बी कर दिया है और इसको भी मैंने बी कर दिया है और जहाँ जहाँ बी था वहाँ वहाँ मैं सी लिख देता हूँ। ठीक है, सी सी सी। ठीक है, तो अब देखो अब मेरी बात कैसे बनेगी। देखो यहाँ पे ए और बी तो दोनों सेम हो रहा है, ठीक है, और अब देखो यहाँ पे सी है ना, तो मैं किसी भी दो कैरेक्टर्स को स्वैप कर सकता हूँ ऑपरेशन वन यूज़ करके। तो मैं यहाँ पे बी लिख देता हूँ और यहाँ पे सी लिख देता हूँ, है ना। तो हो गया मेरा प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है, तो एक्स और वाई दोनों बराबर हो गए, तो कुल मिला के दो दोनों की जगह फ्रीक्वेंसीज हैं वो सेम आनी चाहिए। तो मुझे दो चीज़ें चेक करनी हो गई, कैरेक्टर्स एग्जिस्ट करने चाहिए सेम और फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी के लिए अब मैं कोट करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले इफ़ डब्ल्यू वन डॉट साइज इज़ नॉट इक्वल टू डब्ल्यू टू डॉट साइज, ठीक है, ऐसे केस में रिटर्न फॉल्स। ठीक है, अब मेरे को चेक करना है सेम कैरेक्टर्स। तो सेम कैरेक्टर्स चेक करने के लिए मैं सेट डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करूँगा, सेट कैर s1, s2। ठीक है, सेट में सिर्फ यूनिक एलिमेंट स्टोर होते हैं और वो सॉर्टेड वे में स्टोर होते हैं। ठीक है, तो फॉर इंट इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन w1 डॉट साइज कॉमा i++। ठीक है, एंड s1 डॉट इंसर्ट w1i, एंड सेम इसी चीज़ को लिख दूंगा s2 में इंसर्ट करना होगा मुझे। सो s2 डॉट इंसर्ट w2i। ठीक है, तो यहाँ से मेरी स्टोर हो गई, सारे कैरेक्टर्स स्टोर हो गए दोनों में s1 और s2 में। ठीक है,
अब दूसरी चीज़ होती है फ्रीक्वेंसी की बात आती है, तो दोनों में फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। तो फ्रीक्वेंसी को F1 मान लेता हूँ, सॉरी वेक्टर इंट F1 26,0, वेक्टर इंट F2 26,0, इसमें मैं अपने कैरेक्टर्स के फ्रीक्वेंसी स्टोर करूँगा, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी स्टोर कर लेते हैं F1 W1i माइनस ए प्लस प्लस F2 W2i माइनस ए प्लस प्लस, ठीक है। तो ये मेरे रेस्पेक्टिव प्लेस पे फ्रीक्वेंसी स्टोर हो रही है। तो अब बचा क्या, अभी मैं फ्रीक्वेंसीज को सॉर्ट कर लेता हूँ। F1 सॉर्ट F1 डॉट बिगिन कॉमा F1 डॉट एंड, भी बताता हूँ किस लिए सॉर्ट कर रहा हूँ। सॉर्ट F2 डॉट बिगिन कॉमा F2 डॉट एंड, ठीक है। तो ये मैंने सॉर्ट कर लिया। अब लास्ट में बस मुझे क्या चेंज चेक करना है कि मेरी दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए और दोनों में जो कैरेक्टर्स हैं वो दोनों में एग्जिस्ट करने चाहिए, सेम कैरेक्टर्स, ठीक है। तो चेक कर लेता हूँ इफ़ F1 इज़ इक्वल टू F2, ठीक है। अब मैंने सॉर्ट कर दिया तो दोनों बराबर होंगे ना सॉर्ट करने के बाद, क्योंकि फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। एंड S1 इज़ इक्वल टू S2, ठीक है। अगर ये दोनों कंडीशंस मीट कर रही हैं तो रिटर्न ट्रू, एल्स रिटर्न फॉल्स, ठीक है। तो चलो एक बार कोड रन करके देख लेते हैं। इट्स फिनिश्ड, नाउ लेट्स सबमिट इट, एक्सेप्टेड। सो आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड, ठीक है। तो किया क्या मैंने, बेसिकली बस दो चीज़ें चेक करी हैं कि सेम कैरेक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं दोनों स्ट्रिंग में, अगर ये बात है, और सेम फ्रीक्वेंसीज हैं कैरेक्टर्स की दोनों स्ट्रिंग में, ये दूसरी बात, तो मेरे दीज टू स्ट्रिंग्स विल बी क्लोज। सो दिस इज़ इट। सो इफ़ यू हैव अंडरस्टूड द प्रॉब्लम देन ग्रेट, जाओ करो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।